शेषाचलम पहाड़ियों में पाए जाते हैं लाल चंदन के पेड़। हिंदू धर्म में काफी पवित्र माना जाता है लाल चंदन। देव एवं सशक्त को मानने वाली पूजा में भी इस लकड़ी का प्रयोग करते हैं। यह काफी गुणकारी होता है और जियो गुणों के साथ इसका प्रयोग सुंदरता को निखारने के लिए भी किया जाता है। तमिलनाडु की सीमा से लगे आंध्र प्रदेश के 4 जिलों नेल्लोर, कुर्नूल, चित्तूर, कटप्पा में फैली शेषाचलम की पहाड़ियों में लाल चंदन के पेड़ उगते हैं। कोरिया वन मंडल के SDO अखिलेश मिश्रा जानकारी देते हुए कोरिया वन मंडल के SDO अखिलेश मिश्रा ने बताया है कि अभी तक आनंदपुर फॉरेस्ट नर्सरी में सफेद चंदन के बीज के द्वारा ही पौधे तैयार किए जाते थे। अब लाल चंदन के बीजों का उपयोग कर पौधे उगाए जाते हैं। उक्त बीजों में लगभग 2000 लाल चंदन के पौधे तैयार किए गए हैं। लाल चंदन के लिए कुछ सावधानियां भी रखी जाती है। नवमी एवं शानदार वन भूमि में इसे रिपीट नहीं किया जाता। लाल चंदन के लिए मिट्टी मायने रखती है। लाल चंदन के पौधे शुरुआती दिनों में लगे दार टहनियों में विकसित होता है। लाल चंदन के बीज को 5 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक की गर्मी में आसानी से हरा भरा एवं जीवित रखा जा सकता है। इस पौधे पर रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया जाता है। आइए जानते हैं अखिलेश मिश्रा जी से। सर, ये आनंदपुर आपका रोपनी केंद्र जो है, जी तो वहाँ लाल चंदन के बारे में तो बताइए। लाल चंदन जो है, मैं महाराष्ट्र इसका बीज मंगाया और मैं ये सोचा कि पूरे जिला में सफ़ेद चंदन तो है, लाल चंदन अपना नहीं है, तो लाल चंदन का जो है मैं पौधा तैयारी करवा रहा हूँ। एक प्लांटेशन जो है विकसित करने का मेरा प्लान है। वर्तमान में 2500 के लगभग पौधा भी नर्सरी में है और 10000 पौधे का और तैयारी के लक्ष्य रखा हूँ और बीज मैं ला के डाल दिया हूँ तैयारी चल रहा है। और सर मेडिसिन में भी कोई? हाँ, मेडिसिन में भी काम आता है और धार्मिक उसमें इसका उपयोग है। बहुत महंगा इसके लकड़ी है, सफ़ेद चंदन से भी महंगा लाल चंदन के लकड़ी का। आंचल मिश्राम के साथ मोहम्मद अंसारी जी की रिपोर्ट।